बचपन से ही सेना की वर्दी से मुंह रखने वाले बिलासपुर के शुभम ठाकुर की मुराद आखिरकार आज पूरी हो गई है। जिले की दूरदराज पंचायत सरयून खास के गांव जमथली घाट निवासी शुभम ठाकुर अब मल्टीनेशनल कंपनी का लाखों का पैकेज छोड़ सेना में अपनी सेवाएं देंगे। बता दें कि शुभम ठाकुर ने यूपीएससी सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया आर्मी के लिए 98 रैंक और नेवी के लिए ऑल इंडिया 30 रैंक हासिल की। गर्व की बात यह है कि शुभम का प्लेसमेंट लाखों के पैकेज में मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया था। उसे छोड़ अब सेना में जाने का फैसला लिया है। शुभम ठाकुर एक पूर्व सैनिक के बेटे हैं जिन्होंने फर्स्ट पैरा स्पेशल फोर्स में 18 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं। मेरा बेटा शुभम ठाकुर कल यूपीएससी का रिजल्ट आया जिसमें सीडीएस एंट्री में उसका ऑल इंडिया आईएमए 18th रैंक, नेवल अकेडमी 3rd रैंक। तो मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते हमारे को बहुत खुशी की बात है कि हमारा बेटा आर्मी में ऑफिसर बनने जा रहा है। आजकल ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आज हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में नशे की इतनी लत बढ़ गई है बच्चों के बीच में कि वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर हम अपने बच्चों को इस नशे की लत से बचा सकते हैं तो, और इंटरनेट का सही उपयोग करके, अगर बच्चे इंटरनेट का सही उपयोग करते हैं तो ऑनलाइन स्टडी करके भी जो है ऐसे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मेरे को, मेरी पलटन को, फर्स्ट पैर एसएफ को तथा मेरे इलाके वासियों को इसमें बहुत खुशी की बात है। जय हिंद। शुभम ने सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार और गुरुजनों को दिया है। शुभम ठाकुर ने कहा कि मैंने एनडीए की भी बहुत तैयारी की थी लेकिन उस समय किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन सेना की वर्दी पहनने के ख्वाब ने कभी निराश नहीं होने दिया। मेरा नाम शुभम ठाकुर है, मैं गाँव जमथली घाट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता हूँ। कल मेरा यूपीएससी सीडीएस का रिजल्ट आया जिसमें कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 18th फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑल इंडिया रैंक 3rd फॉर इंडियन नेवल एकेडमी आई है। एंड मैंने अपनी पढ़ाई 12th तक की डीएवी कुमारवी से कंप्लीट करी एंड उसके बाद मैंने एनआईटी हमीरपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिसेंटली मैं पास आउट हुआ था मई 2023 में। एंड उसके बाद से मैं एक एमएनसी में एज अ रिसर्च एनालिस्ट जॉब कर रहा था एंड साइड बाय साइड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय डिफेंस एग्जाम्स एज वेल। मैंने अप्रैल मंथ में सीडीएस का एग्जाम दिया था अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही एंड उस टाइम वो क्लियर हो चुका था एंड माय इंटरव्यू कॉल केम इन जुलाई। ऑन 26 जुलाई आई वाज रिकमेंडेड फ्रॉम 32 एसएसबी जलंधर एंड मैं अभी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जनवरी में ज्वाइन करूंगा एंड 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी मेरे कोर्स की। तो फॉर मी बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज माई पेरेंट्स। मेरे फादर जो कि एक रिटायर्ड पैरा कमांडो है, ही वाज इन 1 पैरा एसएफ, तो ही इज अ बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी टू जॉइन द फोर्सेस। और साथ ही मेरी मदर जिन्होंने हमें बचपन से ही इस तरीके से गाइड करा और हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, उनकी वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं जो भी कर रहे हैं। और मेरी बहन जो कि आरकेजीएमसी हमीरपुर से एमबीबीएस कर रही है, उसने भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करा था कि मैं खुद को पुश करूँ टुवर्ड्स माई गोल्स। एंड मैं अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, टीचर्स और कॉलेज के सीनियर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे गाइड करा टुवर्ड्स अचीविंग माई गोल्स। और मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे हम सभी आजकल इतने इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो जैसे मैंने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करा, तो सभी लोग इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिवली फॉर देयर बेनिफिट। तो किसी भी एग्जाम के लिए या फिर किसी भी तरह का स्किल सीखने के लिए हम इंटरनेट का यूज अच्छे से कर सकते हैं। पंजाब केसरी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।